प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे महाराणा कुंभा। इससे पहले अपन ने देखा मुकल, अब मुकल के बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं कुंभा, मतलब मेवाड़ की हिस्ट्री अपन देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये जो है, ये कुंभा तो इसमें देखेंगे, दूसरी चीज़ क्या है, आईआर क्या चीज़ है कि यही सेम वीडियो आपको इंडियन हिस्ट्री के अंदर देखना है, पढ़ना है, और दूसरा आप लोगों को राजस्थान हिस्ट्री के अंदर देखना पढ़ना है। कहने का मतलब एक तीर से दो शिकार इस वीडियो के थ्रू है। इंडियन हिस्ट्री में जो आप पढ़ रहे हो सेम, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो सेम, ठीक है। तो टॉपिक इज महाराणा कुंभा, मेवाड़ हिस्ट्री के अंदर अपन चल रहे। अब आप वापस में पूछा सर ये इंडियन हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री में, अरे प्यारे आईआर में पढ़ रहे हैं। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं, इंडियन हिस्ट्री में भी और राजस्थान हिस्ट्री में। जैसे आपको ध्यान है मैंने अलाउद्दीन खिलजी की रेड्स पढ़ाई थी, है ना, जो वीडियो नंबर कितना था, 22 था, है ना। कई उसको 12 पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, गलती करी निर्मला, अब नहीं करनी, अब अपन को ये इसको वीडियो को देखना, वैसे नहीं कर देना अलाउद्दीन वाले की तरह। आ जाओ, तो अपना टॉपिक है कुंभा। सर कुंभा तो टॉपिक है, अरे इसके अंदर टोटल 12 सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुंभा, देखो कुंभा क्या है, कुंभा कंपेटिवली बड़ा है। जैसे अपन जितने भी शासक देखे ना हमारा अपने मेवाड़ के अंदर, चाहे वो अपन रतन सिंह से तुलना कर लो, चाहे कुंभा देख लो, और इसके बाद जैसे सांगा और महाराणा प्रताप और आएंगे, इन सब चारों शासकों में सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो महाराणा कुंभा का। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है राजस्थान में खासतौर पर जिसमें कुंभा नहीं पूछा जाए, प्री में, मेन में, और इंडियन हिस्ट्री में भी कैसे न कैसे इसका रोल आता है, ठीक है ना। ऐसे अब टोटल 12 टॉपिक्स हैं, देखो क्या क्या। सबसे पहला तो है जीवन परिचय, देन परिवार वृक्ष अपन देखेंगे, तीसरा है उपाधियां, चौथा टॉपिक है इसकी चार चुनौतियां, ठीक है। तो इसमें जैसे ये मतलब जैसे अपन देखेंगे कि मेवाड़ के अंदर आंतरिक क्या चल रहा था वो, देन इसके मेवाड़ मालवा संबंध, मेवाड़ गुजरात संबंध, मेवाड़ नागौर संबंध, ठीक है। फिर पुत्री रमाबाई का क्या इशू है वो अपन जैसे देखेंगे क्या इनका अचीवमेंट है। फिर निर्माण कार्य क्या है कुंभा के, फिर ग्रंथ जो कुंभा ने खुद रचे हैं, और विद्वान। तो ये जैसे ये देख रहे हो ना 10-11-12, ये कल्चरल अचीवमेंट है कुंभा का। तो कुंभा जाना ही जाता है अपने कल्चरल अचीवमेंट के। कुंभा के बाद जैसे अपन पोत्र देखेंगे राणा सांगा आएंगे, तो वो जाने जाते हैं लड़ाई के लिए। तो कुंभा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है उसका कल्चरल अचीवमेंट, ठीक है। तो देखो ये सारे 12 टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। अब इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये तीनों निर्माण कार्य, ग्रंथ और विद्वान, एक ये कुंभा की उपाधियां, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, भी अपन देखेंगे। और फिर ये मेवाड़ इसकी जो चार चुनौतियां हैं उसमें खास तौर पे मालवा के साथ जो संबंध थे वो, ठीक है ना, गुजरात के साथ संबंध सांगा के संदर्भ में आते हैं, लेकिन फिर भी अपन देखेंगे ये पूरा, ठीक है। तो ऐसे है, और ये टॉपिक्स जैसे खास तौर पे जैसे उपाधियां है ना, खास तौर पे क्या जैसे उपाधियां, ये उपाधियां कुंभा के ग्रंथ और जैसे विद्वान थे इसके अंदर मेन, जैसे मंडन के ग्रंथ आते हैं, फिर मंडन को जैसे अपन देखेंगे गोविंद के ग्रंथ आते हैं, है ना। तो इन तीनों के ग्रंथ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो तीन टॉपिक है ना, उपाधियां, ग्रंथ और विद्वान, ये अच्छे अच्छों की नींद उड़ा देते हैं, अभी देखना आप, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं। लेकिन अपन इतने वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे कि आपको खुद को नहीं लगेगा कि यार सर कब हमने कुंभा पढ़ लिया। जैसे मुझे बताओ, साथ में अपन राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या यार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, सर मज़ा आता है, ऐसा लग रहा है कि खेल खेल में पढ़ रहे हैं। क्या 8 बजे चालू हुई थी, 8:45, 115 भूल गए, 15:28, 38:05 भूल गए, 7:40, 1:80 भूल गए, 13:69, 4:77 भूल गए, 90:130 नहीं नहीं सर याद है, फिर एक भूल गया मैं, वो तुम बता दो ना क्या यार, क्या 90:130 के नीचे क्या लिखा हुआ था बता दो, दिखे एक बार कमेंट करके बता दो दिखे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 90:130 उसके नीचे क्या आंकड़ा था, 6 नंबर वाले उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा भूल गए क्या, 90:130 किसकी बात कर रहा हूँ, 6 नंबर आंकड़ा पर कैपिटा इनकम, तो बता दो प्रचलित पे क्या थी, इतने मैंने बता दिए यार एक तो बता दो, ऐसे क्या कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस बहाने कि जब अपन ने इतनी शिद्दत से इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं कि लगता ही नहीं है कि सर ये इकोनॉमिक सर्वे है क्या, तो ये क्या चीज़ है मुझे बताओ, ये तो कुछ भी नहीं है क्या, चुटकियों में उड़ा दोगे, बसरते तबीयत से सुनोगे, ये नहीं देख रहे हैं और उधर टन टन, अरे फोन नहीं आया उसका, मैसेज नहीं आया उसका, इतनी देर में वीडियो देख लूं, पूरा डूबना पड़ेगा तभी आएगा समझ में, डूबोगे नहीं तो तुम्हें ये डुबा देगा कौन मैं क्यों डूबूंगा, कुंभा डूबोगा, मैं तो तिराने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने जिद से डूबोगे, समझ गए ये चीज है। तो ये 12 टॉपिक आएंगे कुंभा के, इनके ऊपर अपन को फोकस कर। अब कौन से टॉपिक में कहाँ चल रहे हैं तो इस पर आप ध्यान रखते बढ़ाते चलना, ये इसलिए दिखा रहा हूँ 12 टॉपिक जिससे कि गहराई पता लगी अपने को, भाई
विद्वान लोग क्या कहते हैं कि पानी में उतरने से पहले उसकी क्वालिटी मत जांचो, उसकी गहराई जांच ले प्यारे, कितना गहरा है, कितना स्टैमिना से जाना है, समझ गए, है ना। तो ये थोड़ा गहरा है, गहरा कुआं है, तो बढ़िया सांस रोक लो और चलो आगे। तो सबसे पहले अपन एंटर करते हैं टन टन, किस में, जीवन परिचय में आ जाओ। चलो वही पहले जैसे सारे अपने वीडियो देखे हैं फैक्चुअल रूप के अंदर जैसे चलेंगे, और अपन को ऐसे ही पढ़ना है, हैं? जैसे लिखाने में तो मैं भी लिखा देता, कुंभा का जन्म 1403 के अंदर हुआ था, अरे लिख लो रे छोरे छोरियों, अरे सर ये ऐसे अपन ऐसे पढ़ेंगे। इससे क्या है, इससे जैसे ये रिवीजन करोगे ना इसको छुपा के, तो ये सारे इस पॉइंट पर रिवीजन करोगे आप, जैसे जन्म 1403 काल 3368 ऐसे अपन पढ़ेंगे इसको, है ना, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ये वैज्ञानिक तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। सर आज तक तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं ऐसे, अरे तभी तो मेरे को झेलना पड़ रहा है कि नहीं, पढ़ोगे अपना पता लग जाएगा। अरे बादाम खाओगे, आज तक खाई तुमने मूंगफली, मूंगफली खाई, मूंगफलियां हैं तुमने, बादाम खाओगे देखना, और बादाम खाने के बाद अच्छे लगती है क्या मूंगफली, देख लेना, खुद ही बताना मेरे को क्या बता रहे हो। तो जन्म हुआ 1403 ईस्वी के अंदर। सर थोड़ा और बड़ा कर दो ना, सर ये कुंभा जी हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा चलने दो ना जो मजा आए। ये लो यार, क्यों परेशान होते हो, आओ जन्म 1403 ईस्वी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, काल वेरी इंपॉर्टेंट, क्या 1433 से 68 मैंने याद कराया था, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें भी कि 1433 है, 33 आ गया, इसको 66 कर दो, डबल कर दिया, और फिर डबल कर दिया तो दो जोड़ दो इसके अंदर, तो ये हो गया 68, ऐसे समझ लो। इसी के साथ मैंने याद कराया था आपको सांगा का काल 1509 से 27, नोतिया नौका हो गया ना 3×27, तो यहाँ तो डबल कर रहे थे 2×33 का डबल 66, फिर दो जोड़ दिया 68, और ये कुंभा का 27, ऐसे रिलेटिव याद रखो। अब जैसे 27 याद हो गया ना, 27 के डिजिट बदल दो तो बेहतर, ये महाराणा प्रताप का चालू हो जाएगा, अरे सर मजा आ गया, लेकिन कंट्रोल उदय, अभी अपन किसको पढ़ रहे हैं, कुंभा को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो काल हो गया 1433 से 66 नहीं 68, लेकिन गुना दो कर देंगे, मतलब डबल कर देंगे, 33 का डबल 66, तो यूँ डबल करने से क्या फायदा होगा, ये सांगा में मदद कर देगा, सांगा में 3 हो रहा है, 9×27 ऐसे, तो ये पैटर्न तो देखना पड़ेगा यार। मध्य को मैं तो वैसे याद कर लो, मेरा क्या 1433 68 लोगों तो बताया, तो 1433 68 याद रखो। अब राज्याभिषेक हुआ 1433 के अंदर, ये जो लिखा हो भाई जन्म तो 1403 के अंदर हुआ था ना, 1403 में जन्म हुआ, 33 के अंदर राज्यसभा राज्याभिषेक हुआ, तो इससे एक बताओ राज्यसभा अभिषेक के समय आयु कितनी थी, 30 वर्ष थी, सीधी सी बात है। तो राज्याभिषेक हुआ 1400, राज्याभिषेक मतलब शासक बने ये मेवाड़ के, ठीक है, और कहाँ हुआ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ, ठीक है। शासक जैसे अपन देखते हैं, इससे पहले इनके पिताजी शासक मोकल हत्या हुई, फिर उसके बाद ये 1433 के अंदर शासक बने, ठीक है। तो इसलिए काल अपन जैसे शासक के रूप में ये काल लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे। और कौन से में हुआ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हुआ। तो देखो यहाँ तक क्या चित्तौड़गढ़ ही चला आ रहा है, जैसे अपन ने मेवाड़ जब फर्स्ट वीडियो देखा था मेवाड़ का, तो उसमें मैंने बताया था मेवाड़ से मतलब अभी क्या, जैसे अपन चित्तौड़, अभी जैसे धीरे धीरे अब कुंभलगढ़ सीन ही माने लगेगा, फिर महाराणा प्रताप के समय कुंभलगढ़ का क्लाइमैक्स होएगा ऐसे, है ना। तो मोकल के समय, कुंभा के समय अपन ने देखा चित्तौड़, इससे पहले जैसे अपन ने देखा था रतन सिंह जैसे अलाउद्दीन खिलजी की रेड, 1303 चित्तौड़, C3 है और 1303 चित्तौड़, जिसमें बताया था ना आज सुबह उल्टा हो गया था, लेकिन फिर मैंने बताया था सी से मेरे को याद है चित्तौड़ 1303 ऐसे, रणथंभौर 1301, तो उस समय भी चित्तौड़ था, रतन सिंह के समय भी अभी भी चित्तौड़ चला रहा है कुंभा, लेकिन अब कुंभा कुंभलगढ़ की स्थापना करेंगे, है ना, तब धीरे धीरे कुंभलगढ़ इंपॉर्टेंट होने लग जाएगा। तो ऐसे आज चित्तौड़ जैसे अपन देखते हैं कहाँ है, चित्तौड़ में चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, और कुंभलगढ़ जैसे देखते हैं तो अपने राजसमंद में। तो वर्तमान में मेवाड़ किस किस जगह क्या क्या है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में मेवाड़ के बता रखा, देख लो। तो कहाँ हुआ राज्याभिषेक, कुंभलगढ़ दुर्ग में नहीं हुआ है, कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है, ठीक है। राजा मतलब शासक, मेवाड़ के शासक बने उस समय आयु कितनी थी, मेवाड़ के शासक बनते समय आयु कितनी थी, 30 वर्ष की आयु में, अभी अपन ने जैसे देखा 3 में जन्म 33 में शासक, तो 30 वर्ष आयु हो गई। कार्यकाल की अवधि कितनी है, करीबन 35 वर्ष है, 35 वर्ष देख लो अब कैसे आएगी, कि 68 के अंदर मृत्यु हुई, 33 के अंदर बने थे तो 5 आ गया, और अपने क्या हो गया, ये 35 आ गया, तो 35 वर्ष हो गया ना। तो देखो 30 वर्ष की में शासक बने, 30 वर्ष की आयु में शासक बने और 35 वर्ष राज किया, समझ गए, ये तो मतलब आधी जिंदगी इन्होंने किस रूप में गुजारी, राजा के रूप में गुजारी, महाराणा मेवाड़ के शासक के रूप के अंदर, आधी से भी ज़्यादा ही, फिर 30 की उम्र में बन गए थे, फिर आधी से भी ज़्यादा उम्र गुजारी। तो ऐसे क्या इन फैक्ट्स को आप पढ़ो रटो,
तो जैसे जैसे इनको समझोगे ना तो अपने आप रटन में आ जाएंगे। 30 की उम्र में शासक बना, 35 साल शासन किया, जन्म हुआ 1403 के अंदर, शासक बना 30 साल की उम्र में, मतलब 3 में 30 जोड़ेंगे तो 33 के अंदर शासक बना, 35 साल शासन किया तो 33 में 35 जोड़ा तो 68 आ गए। ऐसे यूं जगलिंग करो, जगलिंग करोगे तो अपने आप समझोगे। और जितना रू रू करो तो उतना ही रुलाए। पिता मोकल, जैसे अपन ने देखा ही था लास्ट वीडियो, मोकल पिता मोकल की हत्या करी और फिर आगे शासक बने कुंभा, है ना। तो मोकल की हत्या करने वाला जैसे कौन, क्या उदय से क्या संबंध है, ये पिछले वीडियो के अंदर देखो तो समझ में आएगा पूरा। ओके, फिर देखते हैं अपन आगे, सॉरी है ना, इसमें ये मतलब उदा उदा तो कुंभा के पुत्र थे, है ना, उदा कुंभा के पुत्र थे और वो कुंभा की हत्या करेंगे। कुंभा के पिता थे मोकल, और मोकल की जैसे जो हत्यारे थे वो चाचा मेरा, है ना, चाचा मेरा और मैपा पनवार, अभी अपन देखेंगे आगे। तो पिता का नाम मोकल, ठीक है ना, जो कुंभा से पहले शासक थे, ठीक है। तो कुंभा के पिता मोकल की हत्या करी थी चाचा और मेरा ने, और कुंभा की हत्या करेगा कुंभा के पुत्र उदा। तो ये पहला पितृहंता हुआ अपने मेवाड़ के हिस्ट्री के अंदर उदा, ऐसे, ठीक है ना, ये चीज अपन देखेंगे। तो पिता अपन ने देख लिया कौन, मोकल, अभी सारी चीजें आएंगी, ये उदा ने कैसे कुंभा की हत्या करी, पितृहंता, फिर आगे क्या, वो सारा देखेंगे। मोकल वाला जैसे जो है चाचा मेरा, तो मोकल की फाइल में अपन ने देख लिया। बाकी कुंभा की अपन सबसे पहले लोधिया में वो चुनौतियों में, जैसे चार चुनौतियां थी ना, तो चार चुनौतियों में देखेंगे मेवाड़ के अंदर अपने आप में क्या चुनौती थी। तो ये पिता के हत्यारों से बदला लेना था, है ना, पिता मोकल। अभी सारी चीजें आगे आ जाएंगी, चाचा मेरा सब आएगा, उदा भी आगे आएगा सब। तो अभी तो यहाँ ध्यान रखो, जीवन परिचय देख रहे, पिता का नाम मोकल, माँ का नाम सौभाग्य देवी, परमार राजकुमारी थी सौभाग्य देवी, ठीक है। परमार, ये परमार कहाँ थे अपने, ये मालवा में परमार थे, ठीक है, तो वहाँ की राजकुमारी, हालांकि फिर मालवा से बाद में संबंध बिगड़ जाएंगे, तो वो अभी अपन देखेंगे क्या है। फिर जैसे ये परमार कुछ अपने आबू के अंदर भी थे, जैसे देवड़ा परमार थे, आबू के आसपास भी परमार थे, वो सारी परमारों की ब्रांच थी, ठीक है। तो बस इतना आप ये समझ लो कि परमार थे अपने, उन वो राजकुमारी थी सौभाग्य देवी। तो सौभाग्य देवी का सौभाग्य किसके साथ था, कुंभा का, जिससे वो सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर इतनी प्रगति कर पाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपने सौभाग्य देवी, ओके। फिर नेक्स्ट अपन नाम देखते हैं पत्नी, पत्नी का नाम कुंभल मेरू, माँ है सौभाग्य देवी, ठीक है ना, और पत्नी कौन है, कुंभल देवी, है ना, कुंभल, कुंभल मेरू, है ना। तो कुंभल मेरू के नाम के पीछे ही कुंभलगढ़ का नाम पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो कुंभलगढ़ कहीं देखते हैं कि यार कुंभल तो कुंभा है, है ना, फिर ये लय का तो लय कुंभल वाला है, भाई कुंभा होता तो नाम कुंभागढ़ होता, लेकिन गढ़ का नाम है कुंभलगढ़, तो ये पत्नी के नाम के पीछे कुंभलगढ़, ऐसे माँ के नाम के पीछे नहीं गढ़ का नाम, माँ का नाम है सौभाग्य देवी एंड पत्नी का नाम कुंभल, कुंभल मेरू या कुंभल देवी कुछ भी, है ना। तो कुंभल याद रखो, कुंभल से कुंभलगढ़ है, ये नाम याद रखना। तो अपनी पत्नी के पीछे गढ़ का नाम रखा हुआ कुंभलगढ़, है ना, माँ के नाम के पीछे मत कर देना, माँ इज सौभाग्य देवी, ओके। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कितना प्रेम करते थे पत्नी से। फिर अपन, और कुंभलगढ़ कोई छोटा मोटा दुर्ग नहीं है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर है, आज अपन देखेंगे इसकी जो दीवार है बिल्कुल यूनेस्को, मतलब विश्व दुर्गों की सबसे लंबी प्राचीर इसकी, ठीक है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल है अभी अपने कुंभलगढ़ दुर्ग। फिर अपन देखेंगे अभी वो मेवाड़ की आँख, कटारगढ़ क्या है, पगड़ी इतनी ऊंची, अबुल फजल बोलता है पगड़ी इतनी, मतलब दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर नीचे से ऊपर देता तो पगड़ी सिर से गिर जाएगी। तो ये सब कुंभलगढ़ के बारे में चीज़ें हैं, आगे आ जाएंगी सारी। पुत्र, पुत्र कौन है, रायमल और उदा, है ना। तो ये उदा के आगे लिखा हुआ पितृहंता, दोनों नहीं है पितृहंता, सिर्फ उदा उदा इस पितृहंता में, बताया ना कुंभा की हत्या यही करेंगे, पहला पितृहंता है ये अपने मेवाड़ के अंदर। और रायमल जो है ना, तो कुंभा रायमल और रायमल के पुत्र आएंगे सांगा, है ना। तो अभी अपन जैसे देखेंगे ये पूरा पेरेंट ट्री बना हुआ, ये सब आ जाएगा। आप तो बस इतना समझ लो कि पुत्रों का नाम क्या है, रायमल एंड उदा, ठीक है। तो पुत्र का नाम हो गया रायमल और उदा, पुत्र का नाम क्या हो गया रमा। तो देखो राय और रमा साउंड हो रहा है ना, ऐसे साउंड करना है। ये रमा देवी काफी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में विवाह हुआ लेकिन फिर अनबन हो गई तो फिर वापस आ गई, फिर जावर माइंस के आसपास का क्षेत्र इनको जागीर के रूप में दिया गया। फिर पुत्री को कौन कौन से, किन किन पुत्रियों को जागीर मिली है, जैसे रमाबाई है, जहाँ आ रहा है, वो सब नाम अपन देखेंगे आगे आएगा। रमाबाई की जो बताया, मैंने बताया था कि रमाबाई का थोड़ा सा इतिहास देखेंगे, अपन तीसरे कॉलम में लिखा होता वो, ठीक है। तो रमाबाई, तो पुत्र हो गए रायमल एंड अपने उदा, उदा है पितृहंता और पुत्री का नाम रमाबाई। यहाँ ब्रैकेट में आप जैसे लिख रहे हैं ना, विवाह बराबर गुजरात, है ना, ये मंडलिक चतुर्था आगे आएगा, अभी तो बस गुजरात लिख लो, गुजरात, वहाँ ये अनबन हो गई थी, फिर आगे यूँ क्रॉस लगा लेना, मतलब अनबन हो गई और फिर यहाँ आ गई थी वापस मेवाड़ में, ठीक है। तो रमाबाई आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ से जो जीवन परिचय में तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ आ गए गुरु, गुरु
गुरु गुरु गुरु है ना। तुम देखो गुरु का इंपॉर्टेंस बहुत होता है जीवन में, बगैर गुरु तो सब सुना है। गुरु गोविंद दोनों खड़े आगे आप जानते ही हो ऐसे तो यार गुरु है, देख लो क्या, चित्रकला के गुरु, संगीत के गुरु और काव्य के गुरु। तो देख लो आप मतलब कितना इंटरेस्ट कुंभा को रहा होगा कि यार मैं ज्ञान की प्राप्ति करूं और आगे बढ़ूं जीवन में, जीवन में केवल लड़ाई में नहीं जीवन के हर क्षेत्र में। ये है तो चित्रकला के गुरु साहब कौन हो गए, हीरानंद आर्य। हीरा हीरा ने हीरा बनाना सिखाया कि ऐसे हीरा बनाना आपको, ऑक्टागोनल चित्र बना दिया हीरे का। तो चित्रकला के गुरु कौन हो गए, हीरानंद आर्य, जैन मुनि थे। जब अपन जैन संत पढ़ेंगे ना कुंभाकालीन, तो सबसे पहले नाम आएगा ये हीरानंद आर्य का ही, हीरानंद आर्य। ठीक है, निरंजन आर्य नहीं लिखा हुआ जो अपने चीफ सेक्रेटरी भी हुए हैं, ये हीरानंद आर्य है, जैन मुनि है ना। जैन संत पढ़ेंगे तो सबसे पहला नाम आएगा हीरानंद आर्य। फिर आएंगे अपने सुंदर है ना, सोम सुंदर, अपने सोम सुंदर आएगा, भुवन सुंदर आएंगे ऐसे, फिर शेखर आएंगे। ठीक है, जयचंद, जयशेखर। तो जैन मुनियों में सबसे पहला नाम कौन है, अपने हीरानंद आर्य। तो हीरे ने हीरा बनाना सिखाया कि हीरे का चित्र कैसे बनाना है। फिर संगीत गुरु, संगीत गुरु कौन आ गए, सारंग व्यास। तो देखो अपन संगीत जब बजाते हैं तो उसमें सारंगी एक वाद है, ठीक है ना, जो मतलब सबसे सुरीला वाद है सारंगी। तो सारंगी संगीत किसने सिखाया, सारंगी ने, सारंगी मतलब सारंग व्यास। तो देखो अपने उसके नाम के, सारंगी के पीछे अपना नाम सारंग व्यास रख लिया ऐसे। और इनके ग्रंथ का नाम है, सारंग व्यास के ग्रंथ का नाम है संगीत रत्नाकर, है ना। कुंभा के जब ग्रंथ आएंगे तो उसमें बहुत सारे ग्रंथों में संगीत सब वर्ड सब में लगा हुआ है ना। और जबकि ये जैसे आएंगे, देखो देखो संगीत रासो है, मतलब संगीत राज, संगीत रासो है ना, चार ग्रंथ आएंगे इसके अंदर। फिर संगीत सुधा, संगीत प्रबंध ऐसे। लेकिन ये संगीत रत्नाकर जो है ना, तो एग्जामिनर की पसंद यही है, एग्जामिनर उलझा देता हूँ संगीत संगीत में। तो टोटल ऐसे संगीत, ऐसे ग्रंथ जिनके शुरू में संगीत आता हो ऐसे 5 हैं, उनमें से 4 तो कुंभा के हैं, एक ये संगीत रत्नाकर कुंभा का नहीं है, ये किसका है, सारंग व्यास का, जो उसके संगीत के गुरु थे। एग्जामिनर को पता है अच्छी तरह के स्टूडेंट संगीत संगीत देखते कुंभा कुंभा करेगा, नहीं इसमें फंस जाएगा रत्नाकर में ऐसे। तो याद कैसे रहेगा, मैंने बताया अभी जो ये सारंगी है ना, ये वादों का क्या है, रत्न है। रत्न तो आप जानते हो, रत्न रत्न ही होता है, तो सारंगी वाद्य यंत्र है। तो सारंगी ये बिल्कुल क्या है, रत्न के समान है। आज भी जैसे जो पुराने गायक हैं वो जैसे अपना सुर मिलाएंगे तो जैसे गले से तो गाएंगे और उधर वो सारंगी में बजाएंगे अब जैसे काम मिसमैच हो रहा है, वो सारंगी बजाते बजाते वो सुर को सेट करेंगे ये सारंगी से। तो सारंगी क्या है वाद्य यंत्रों का, रत्न है ये रत्न ऐसे। आज के तो जैसे जो नए नए लड़के हैं वो तो गिटार में करेंगे, है कि नहीं, कुछ है वो हारमोनियम पे करेंगे, और पुराने जैसे देख लो अपने, मैंने राजस्थान के वाद्य यंत्रों में पढ़ा है सारंगी ऐसे, सबसे सुरीला वाद्य यंत्र ये, तो रत्न है सुरीला। तो रत्न से मैं क्या बता रहा हूँ, ये रत्नाकर बता रहा हूँ। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसका है, जिसका नाम सारंगी से है। तो मतलब सारंगी, सारंगी कौन, सारंगी से मतलब सारंग व्यास, खत्म हो गई इतनी बल्ले बल्ले बस खत्म। तो ऐसे याद करना पड़ेगा, नहीं तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो देखो आपको हल्के में ले रहे हो, लेकिन जब वो कुंभा के 4 में संगीत से पढ़ाऊंगा ना, संगीत रासो, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत प्रबंध, फिर आएगा भी इसमें संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर सारंग व्यास। अरे सर बताओ ना, रत्नाकर कैसे याद कराया था, ऐसे क्या कर रहे हो, नाराज तो आप होते ही नहीं हो। मतलब आप बताओ रत्नाकर सारंगी, सारंगी वादों का रत्न, रत्न है वादों का रत्न है। तो भैया ये हो गया संगीत रत्नाकर, सारंग व्यास, सारंग ऐसे सारंग व्यास है ना, ये संगीत गुरु। फिर आ गए काव्य गुरु। तो कैसे कावे, कैसे काना, मेरे काना प्यारे, काना व्यास आ गया कि नहीं आ गया ऐसे। तो सहसे संगीत, सहसे सारंग, ठीक है ना, कैसे काव्य गुरु और कैसे काना व्यास। काना व्यास ने ग्रंथ लिखा है एकलिंग मातम में, लेकिन पूरा इन्होंने नहीं लिखा है। एकलिंग मातम में का जो दूसरा भाग है ना, वो किसने लिखा है, वो काना व्यास ने लिखा है, और पहला भाग कुंभा ने लिखा है। तो देखो ये एक कैसे ग्रंथ रहेगा, देखो ये एकलिंग है ना, एकलिंग, तो एक में जो आ रहा है क्या आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है। तो भैया इसके 2 भाग हैं, एक भाग लिखा है कुंभा ने, एक भाग लिखा है काना व्यास ने। एक वर्ड पे फोकस कर रहा हूं मैं, माइंड, एक एक, एक जने ने एक लिखा, एक जने ने एक लिखा, ऐसे दोनों ने काम किया। एक और एक 2 होते हैं, लेकिन ज्ञानी तो बोलते हैं एक और एक 11 होते हैं, बुद्धू पागल। ये देखिए एक लिंग मातम में, समझ गए, तो एक से याद रखना, एक भाग कुंभा, एक भाग काना व्यास।
तो पहला और दूसरा, पहला भाग कुंभा, दूसरा भाग भाई पहले तो यार शासक ही लिखेगा एक बार बताओ। कान्हा दास को बेचारे को मरना था कि तो पहला भाग मैं लिख रहा हूँ, दूसरा तुम लिखोगे। नहीं साहब, पहला आप शासक महाराणा ऐसे, ठीक है। तो एक एक से ध्यान रख लेना, एक एक की बारी आएगी पहले तुम लिख लो, फिर मैं थक जाऊँ फिर तुम लिख लेना, एक एक की बारी आई है ना ऐसे। इस एक पे ध्यान रखो, जब यार अब ध्यान नहीं दोगे तो क्या करो। मैं बोलता हूँ बंगाल की राजधानी लखनऊ थी, पांडवा इधर उधर गौंड है, फिर एक राजधानी और रह गई निर्मला, बताओ कौन सी है ये एक राजधानी और सर एक, फिर नहीं बताते हो अरे ये एक दला है। तो मैं तो खुद ही बता रहा हूँ, एक बोल रहा है ग्रंथ, एक भाग तुम लिखो, एक भाग तुम लिखो, ये ग्रंथ है कौन सा, एकलिंग माध्यम में, खत्म हो गई बात, इसमें क्या है ऐसे। ठीक है, एकलिंग माध्यम में कान्हा व्यास, फिर संरक्षक। तो देखो तीन तो गुरु आ गए, तो गुरु के पास बैठ गया, पढ़ रहे हो तो भैया कोई आपको बचाने वाला भी तो, कल को कोई संकट हो जाए तो है कि नहीं, तो गुरु जी भी जाएंगे आप भी जाओगे। तो संरक्षक कौन, रणमल राठौड़। कौन, रणमल राठौड़। राठौड़ का मतलब सर ये मारवाड़ से रहे राठौड़, तो बिल्कुल सही आपने पहचाना, मारवाड़ है ना। तो अपन जैसे देख रहे हैं कि थोड़ा सा वीडियो पहले के देखने पड़ेंगे, लाखा देखो है ना, लाखा के साथ फिर हंसा भाई कैसे रणवल रिश्ता लेके आया था क्या, फिर चूड़ा विष्णु पितामह कैसे बना, फिर है ना मोकल, मोकल के भी संरक्षक थे। तो क्यों से एक ये आ जाए कि रणमल राठौड़ मेवाड़ के किन किन शासकों का संरक्षक रहा है, ठीक है। तो पहले तो किसका रहा है, मोकल का रहा है मामा के रूप में, ठीक है। दूसरा आपने कुंभा के रहा है, कुंभा पापा का मामा लगता था, मतलब कुंभा के पापा मामा, कुंभा के पापा मोकल थे और मोकल का मामा आपने ये रणमल राठौड़ था, हंसा भाई का भाई था और मोकल की माँ थी हंसा भाई, वो पिछले वाली वीडियो देखो पेरेंट्री तभी समझ में आएगा। और इससे पहले स्टूडेंट कहाँ फंस जाता है, लाखा में फंस जाता है। तो लाखा के ये संरक्षक नहीं थे, समझ गए, मतलब रणमल राठौड़ लाखा के समय संरक्षक नहीं थे, एक इम्पोर्टेंट नीति निर्माता मतलब एक डिसीजन मेकर थे लाखा के समय, लेकिन फिर संरक्षक बने मोकल और कुंभा के, ठीक है ना। अभी कुंभा तक उनकी छुट्टी करेगा रणमल राठौड़ की, देखेंगे अपन कैसे बाहर मली प्रेमिका के सहयोग से, प्रेमिका थी रणमल राठौड़ की, उसके सहयोग से कुंभा इनका खात्मा ही कर देगा रणमल राठौड़ का। बीच बीच में इंटरफेयर करोगे तो यही होएगा, आप नहीं रणमल राठौड़ की बात कर रहा हूँ। आप सोचोगे सर मैं हमारा हमको उड़ाओगे, अरे तुम तो मेरा जीवन हो, कैसे उड़ा दूंगा तुम्हें, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। कहीं तुम सोचो सर किसी और के लिए बोल रहा ऐसे। चलो आ जाओ, तो अपन ने अभी तक देखा जीवन परिचय, एक बार कर लो रिविजन खटाखट, जन्म 1403 है। अब देखो आप देखो सर देख के बोल रहे हैं, अब देखो ये लो यहाँ से बोल रहे, अब तो नहीं दिख रहा ना, अब तो तसल्ली है ना तुमको, जन्म 14 और लो और लगे और क्या लाऊं, ये लो तुमको लग रहा है कि सर तो आपको तो याद है, लो पढ़ लो ये लो ये अब ये लो, अब तो नहीं दिख रहा ना मेरे को, ये लो यहाँ और आ जाओ। अब तो सही है, जन्म 1403, काल 1433 से 68 66 नहीं 68, राज्याभिषेक 1433 अपने कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। राजा बनने के समय आयु कितनी, 30 वर्ष। कार्यकाल की अवधि 35 वर्ष। नहीं दिख रहा यार, क्यों टेंशन कर रहे हो, मैं नहीं देख रहा इधर। पिता कौन, मोकल। माँ सौभाग्य देवी, अभी भी नहीं दिख, अभी भी लग रहा है कि मैं दिख रहा हूँ, ये लो इधर ये लो। पत्नी कौन, कुंभल देवी। पुत्र कौन, कौन पुत्र, भाई पुत्र दो हुए, एक रायमल और एक उदा। पितृता कौन, उदा। पुत्री रमा भाई। चित्रकला गुरु, चित्र बनाना बनाना सिखा, पहला चित्र किसका बनाया अपन ने, हीरे का बनाया, हीरानंद मौर्य। संगीत गुरु, सहसे संगीत, सहसे सारंगधर है ना, यह सारंग व्यास और सारंगी से याद कराया। और ग्रंथ क्या है, संगीत रत्नाकर, सारंगी रत्न है, रतन समान बात। संगीत गुरु, काव्य गुरु, कैसे काव्य गुरु, कैसे कान्हा व्यास ग्रंथ लिखा, एकलिंग मातम में। क्या पूरा लिखा, नहीं नहीं सर पूरा उसने नहीं लिखा, एक एक व्यक्ति ने एक एक भाग लिखा, पहला भाग कुंभा ने, एक भाग कुंभा ने, एक भाग कान्हा ने, दूसरा भाग कान्हा ने, पहला भाग कुंभा ने, पहला भाग कुंभा ने, दूसरा भाग कान्हा ने, यही पहले बोला था और यही अब बोल रहा हूँ। तो कैसे कान्हा व्यास और संरक्षक रणमल राठौड़, नहीं देखा, देख लो अभी, लो मिलान कर लो, मैं कहाँ गलत बोला, सारी चीजें ऐसी की ऐसी हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे तो किसी काम की नहीं है, काम की तो प्यारे तेरे हैं, पढ़ रिविजन कर, ऐसे क्या करता है यार, क्या करती है। दोनों को बोल रहा हूँ मैं तो, पढ़ो, समझ गए। तो ये अपन ने पहला टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से सर देख लिया, मजा आ गया सर, क्या बात है, पहला जीवन। अरे जब यार इकोनॉमिक सर्वे तुमको सलाम कर रहा है, ये क्या चीज है, बशर्ते बस मैं और मेरी तन्हाई नहीं, मैं और मेरे नोट्स, मेरे वीडियो होने चाहिए सामने। जीवन परिचय आ गया सर, मजा आ गया। चलो दूसरा परिवार वृक्ष, चलो
मैंने कब रोका? ये लो साहब, अरे तुम्हारे लिए ही तो है, सजना है मुझे। किसके लिए? अरे सजना है मुझे, समझ गए? अब आगे परिवार वक्स आ जाओ। अभी जैसे अपन ने नाम पढ़ा था भैया, रणमल राठौड़, टन टन, ये आगे रणमल राठौड़, आगे पढ़ा था अपन संरक्षक, आगे फिर देखो कुंभा कहाँ है जो अपन पढ़ रहे हैं, वो ये रहा कुंभा, ठीक है, समझ रहे हो? धीरे धीरे अभी समझो यार इसको, नहीं समझ रहा तो पहले वाले वीडियो देख लो एक बार। अपन बताया था कुंभा, कुंभा के पिता का नाम पढ़ा था मोकल, और माँ का नाम पढ़ा था, यहाँ लिख रहा हूँ है, वो कहना नहीं है, बड़ी दूर से ये कब मैं बड़े कार से कुछ गजल लिख रहा हूँ, सुबह को देख के शाम लिख रहा हूँ, कुछ ऐसे मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वो वैसे ही है, हाँ तुम्हें देख कर ये गजल लिख रहा हूँ ऐसे, तो माता का नाम तुम्हें देख के लिख रहा हूँ सौभाग्य देवी, पत्नी का नाम सर कुंभलगढ़, अरे बुद्धू पागल, कुंभलगढ़ नहीं है, कुंभल मेरू है, तो हाँ सर कुंभल देवी के नाम की से कुंभलगढ़ पड़ा, ठीक है, तो सौभाग्य देवी हो गई। फिर अपन ने ये रणमल राठौड़ देखा है संरक्षक, पापा का मामा, पापा इज मोकल और पापा के मामा कौन होता है, मैं बोल रहा हूँ मोकल के मामा थे रणमल राठौड़, तो मोकल, मोकल की माँ हंसा भाई, हंसा भाई के भाई थे रणमल राठौड़, तो मोकल की मामा हो गए कि नहीं हो गए रणमल राठौड़ ऐसे। तो कुंभा और रणमल राठौड़ का रिश्ता था कि पापा के मामा लगते थे, और हंसा भाई क्या लगती थी कुंभा की, दादी लगती थी, दादी, दीदी नहीं, दादी जी, समझ गए, दादी कौन होती है, पापा की जो मदर होती है वही तो दादी होती है, तो कुंभा के पापा जी मोकल और मोकल के माता जी हंसा देवी, मतलब ये देखो, यहाँ मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, ये जो है ना ये ऐसे ये डाउन हो रहा है, ये नई जन मतलब अगली पीढ़ी को दिखाती है, तो जैसे हंसा देवी अपन पढ़ेंगे कि जैसे लाखा और हंसा देवी से जन्म हुआ मोकल का, मैं कोमल पढ़ रहा था मोकल का है, जैसे कोमल भी हो जाएगा, तो क्या इधर कर दो मैं इधर कर दो, कोमल कर दो, कोमल नहीं है ये मोकल है, ठीक है ठीक है। फिर अगली जनरेशन अपन देख रहे हैं कुंभा, फिर अगली जनरेशन देख रहे रायमल, फिर अगली जनरेशन देख सांगा, या रायमल के बगल में उदा भी लिख लो ऐसे, है ना, तो अगली जन डाउन एरो आ जाए तो अगली जनरेशन है, और ये सेम लाइन में लिखे हुए तो ये एक जनरेशन है। अभी जैसे आपको ध्यान हो तो सौभाग्य देवी मैंने लिखा था तो एक जनरेशन है कि नहीं, हस्बैंड वाइफ, या मैंने कुंभल देवी लिखा था तो एक जनरेशन है, रायमल उदा एक जनरेशन है, ठीक है, फिर सांगा अपन जैसे लिख रहे हैं तो ये अगली जनरेशन है। ऐसे इस पेरेंटिंग को समझना है मेरे नोट्स के अंदर, पहले वीडियो देखें तो सारे समझ रहे हो। तो कुंभा देख लिया अपन ने, मोकल देख लिया, हंसा भाई अपन देखेंगे, तो हंसा भाई मैंने बताया था अभी कुंभा की दादी लगती हैं ऐसे, रणबल राठौर मैंने बता ही दिया रिश्ता कहाँ है कैसे है ना, क्योंकि अभी देखो अपन आवल बावल की संधि पढ़ेंगे, ए बी आवल बावल है ना ऐसे, अभी आएगा फिर देखेंगे, ठीक है। रणबल राठौर अपन ने देख लिया कौन कैसे क्या, और रणबल राठौर फिर अपन देख लो यहाँ लिखा हुआ लाखा से सो दिया, लाखा है ना ऐसे, फिर जैसे अपन देखो यहाँ लाखा का पुत्र अपन देख रहे थे चूड़ा, तो चूड़ा और मोकल दोनों भाई भाई हो गए, दोनों सिदाई में लिखे हुए ना ऐसे, भीष्म पितामह बोलते हैं इसको, मेवाड़ का भीष्म पितामह, और राघवदेव जो भी था, राघवदेव जो थे वो भी क्या चूड़ा के भाई थे, मतलब लाखा के पुत्र बोल दो, ये डाउन एरो की आ गया, तो मतलब राघवदेव कौन था, लाखा का पुत्र बोल दो, चूड़ा का भाई बोल दो, या मोकल का भाई बोल दो, सेम जनरेशन में है ना, तो राघवदेव कौन है, चूड़ा और मोकल के दो भाई हैं और लाखा के पुत्र, ये राघवदेव आएगा, ये भी चुनौती देगा मेवाड़ में कुंभा को, तो राघवदेव आप देखो अपन चुनौतियाँ पढ़ेंगे, तो रणमल राठौड़ चुनौती है कुंभा के सामने, ये राघव देव चुनौती है, मतलब इधर तो ये पापा का मामा और इधर ये राघव देव जो भाई था ऐसे, ये चुनौतियाँ आएंगी अपने कुंभा के सामने। तो ये पेरेंट्री ऐसे का ऐसे बनाना है, इस पेरेंटर को ऐसे बनाओगे ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा, अन्यथा आ जाओ। अब मेवाड़ के अंदर गुटबंदी देखते हैं अपन, मेवाड़ के अंदर गुटबंदी चुनौती में आएगा, गुटबंदी समझ गए, अरे तू बता दे तू किधर है, तो इधर मेवाड़ की तरफ है, मारवाड़ की तरफ है, किधर है ये बता दे मेरे को, ये गुटबंदी होती है। एक गुट था सिसोदिया, एक गुट था राठौड़, सिसोदिया का तो मतलब जो मेवाड़ से थे, और राठौड़ का मतलब जो मारवाड़ से थे, राठौड़ मारवाड़ में हुए, ठीक है। तो सिसोदिया गुट का जो हेड कर रहा था मेवाड़ गुट का, वो थे राघव देव, ये राघव देव कौन थे, लाखा के पुत्र थे, अभी मैंने बताया था चूड़ा के पास में लिखे हुए थे, चूड़ा और मोकल के भाई थे, एक लाइन में लिखे हुए थे, और कुंभा का चाचा था, कुंभा नीचे आ रहा है ना तो चाचा था, और राठौड़ में कौन थे, रणमल राठौड़ थे। तो ऐसे मेवाड़ में गुटबाजी थी, ऊपर वाले के साथ दिखाऊंगे सर, ये यार उसके साथ देख लो क्या दिक्कत है, सब है अपने पास, टेंशन मत किया करो, आपका काम है पढ़ना तबीयत से, मेरा काम है तबीयत से पढ़ाना, आपका काम है तबीयत से पढ़ना। अब देखो राघव देव पढ़ रहे हैं, जानना चाह रहे तो राघव देव ये है, ये कौन है देखो, इसके मतलब ये इसके जो तीन रोल देख रहे हैं अपन, पहला रोल है लाखा का पुत्र, ये लिखा हुआ लाखा, लाखा का पुत्र हो गया था।
दूसरा लिखा हुआ है चूड़ा व मोकल का भाई, ये लिखा हुआ है इधर तो चूड़ा, ये लिखा हुआ है मोकल, तो चूड़ा व मोकल के भाई हो गए ना, सेम जनरेशन क्या है भाई है, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो पुत्र है। फिर कुंभा का चाचा, ये कुंभा ये रहा नीचे आ रहा है, तो कुंभा ऊपर देख रहा है तो चाचा के रूप में तो दिखेंगे, चाचा या ताऊ के रूप में, तो ये कुंभा, क्योंकि कुंभा अगली जनरेशन आ गया मोकल के पुत्र है, तो ये चाचा हो गए, ऐसे कुंभा इनको चाचा बोलेगा, ऐसे राघव देव को ऐसे, ठीक है। तो एक गुट तो ये हो गया, मेवाड़ गुट का हेड तो ये राघव देव कर रहा था कुंभा के समय, कुंभा पढ़ना है पर टॉपिक, कुंभा के समय मेवाड़ गुट का हेड तो राघव देव था और मेवाड़ गुट का हेड ये रणमल राठौड़ था। अब जैसे आप हायरर की देख के लगा लो इनमें सीनियर कौन है, रणमल राठौड़ का नाम ऊपर आ रहा है, राघव का नीचे आ रहा है, तो मतलब इन्होंने ज़्यादा नमक खाया हुआ था। ऐसे कहते हैं ना कि तुमने जितनी चीनी खाई है राघव, तूने जितनी चीनी खाई है मैं उतना नमक खा चुका हूँ, रणमल राठौड़ बोलेगा, है कि नहीं। ऐसे राघव तुम जितने बाथरूम के अंदर नल के नीचे नहाए हो ना, मैं उतना बारिश में नहा चुका हूँ, रणमल राठौड़ ऐसे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो, कहते हैं ना तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना राघव, हम उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं बोलते हैं ना ऐसे, तो हमें मत सिखाओ, ये वाली बात है, समझ गए। तो एक सेकंड, हाँ तो भैया तुम हमें इतना मत सिखाओ, क्या तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना राघव, हम स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं, रणमल राठौड़ बोलते हैं ऐसे। तो ये जो गुटबाजी थी ये अपन ने समझ ली, ऐसे करके अपन को उसको समझना है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने दूसरा देखा परिवार वृक्ष। अब नेक्स्ट अपन देख लेंगे कुंभा की उपाधियाँ, है ना। तो यहाँ तक अपन ने दो चीज़ देख ली, क्या चीज़ देखे, ये कुंभा, ये कुंभा जी, ये रे, क्या चीज़, दो चीज़ देख ली अपन ने, अपन ने जीवन परिचय देख लिया कुंभा का पूरा ए टू जेड देखा, परिवार वृक्ष देख लिया। वैसे रिविजन करोगे, मैं बनाऊंगा क्लास में परिवार वृक्ष तो आप बताओगे। और तीसरा अपन उपाधियाँ देखते हैं अब नेक्स्ट, है ना। एक देखो एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये जो है ना ये लाखा मोकल और कुंभा, ये याद कैसे रहेंगे। देखो लाखा है ना, लाखा के बेटे थे मोकल, नीचे आ रहा है ना, देखो नीचे आ रही है लाइन और फिर आ रहा है कुंभा, है ना। तो ये यूं है लाखा मोकल और कुंभा, अभी याद कैसे होगा फ्लो में, नीचे आएगा सांगा। तो देखो लाखा को आप याद रखो लाख से, लाख लाख होता है हजार लाख, ये लाख। मोकल को याद रखो आप मिलियन से, है ना, दस लाख करके एक मिलियन बनाते हैं, मिलियन, ठीक है। और कुंभा को याद रखो करोड़ से, करोड़ है करोड़। तो ये इसी सीक्वेंस में होता ही है, लाख मिलियन और करोड़, दस लाख बनके एक मिलियन बनता है, दस लाख का एक मिलियन, तो लाख हो गए और बीच में करोड़ों और बीच के अंदर मिलियन है ना। अपन पढ़ते हैं ना भाई, दस लाख करके एक मिलियन बनता है और दस मिलियन से एक करोड़ बनता है, तो लाख मिलियन और करोड़, तो लाख से लाखा, मिलियन से मोकल, और कैसे करोड़ से कुंभा, ऐसे एक तो तरीका ये। दूसरा क्या है, ऊपर नीचे तो दो अक्षर वाले हैं लाखा और कुंभा, है ना, दो अक्षर वाले, बीच में ये तीन अक्षर वाला है बड़ा, कौन, मोकल, ऐसे भी याद रख सकते हो, सैंडविच है ऊपर नीचे तो ब्रेड है दो दो, लाखा और मोकल, बीच के अंदर कुंभा है तीन अक्षर वाला, ये भी याद रख सकते हैं, और लाख मिलियन और करोड़ से भी याद रख सकते हो, LMK से भी याद रखते हो, रख सकते हो लाखा मोकल और कुंभा, है ना, लाखा मोकल, जिसको अपन बोलते ना LM और फिर K, LMK, तो लाखा मोकल और कुंभा, लाख मिलियन और करोड़, और सैंडविच लाखा दो अक्षर, मोकल तीन अक्षर, और फिर वापस दो अक्षर कुंभा। मर्जी है आपकी, जो चाहे वैसे कर लो, मेरा काम तो बताने का था, है कि नहीं है। मैं तो तीनों सुर गा दिए, ये गा दिया लाखा मोकल कुंभा, ये गा दिया लाख मिलियन करोड़, ये गा दिया LMK, जो सुर पसंद आए वो चुन लो, लेकिन चुनो जरूर, नहीं तो अगले में उड़ जाओगे, इसमें उपाधियों में, समझ रहे हो, उपाधि। तो दो टॉपिक देख लिए, अब नेक्स्ट में अपन देखेंगे क्या, टॉपिक नंबर तीन उपाधियाँ, ओके, रिविजन करो तसल्ली से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक नंबर तीन में उपाधियाँ, टन टन, कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं जल्दी।